एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी मैं बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन देख रही थी, जैसे कि जब भी मैं फ्रूट प्लांट के बारे में आप लोगों को बताती हूं तो आप लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पॉट साइज ज़रूर मेंशन किया करें। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताऊँगी, दिखाऊँगी कि किस तरह के फ्रूट प्लांट को किस साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए जिससे कि वो बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करे और सालों साल चलते रहे। तो आज का यही टॉपिक है हमारा, चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं जब सुबह आई अपने छत पे तो मैंने ये ड्रैगन फ्रूट का, ये देखें ड्रैगन का फ्लावर है ये, और ये कितना खूबसूरत है। जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है ये बंद होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये 12 बजे रात को खिलते हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये देखें ये इसकी कली है और मेरे हाथ का साइज़ आप देख सकते हैं, और जैसे ही ये खिलेगा ये बहुत बिग साइज हो जाता है। और ये देखें, ये एक दूसरा फ्लावर खिला है। इस तरह के फ्लावर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। देखें कुदरत कितना खूबसूरती के साथ कितनी सुंदर चीज़ों की रचना करती है, बहुत सुंदर। और आपको दिखाना चाह रही हूँ मेरे ड्रैगन फ्रूट भी, अगर आप देखें तो इस जगह बहुत सारे लगे हुए हैं, और इस बार बहुत बढ़िया मेरा ये प्लांट ग्रोथ किया है। और इसका पॉट साइज़ भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। जो है ये, चूँकि मैंने किनारे में रखा हुआ है इसलिए आपको सही से दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसका पॉट साइज़, ये सीमेंट का एक पॉट है और ये तकरीबन 18 इंच का पॉट है। 18 इंच के पॉट में 2-3 इसके स्टेम मैंने लगाए थे, उसी से मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा बिग साइज का हो गया है। और मैं चाह रही हूँ कि इस बार मैं 2 प्लांट बना लूँ इससे। और इस समय मैंने पीछे भी इसकी हार्वेस्टिंग की हुई थी और अभी भी उसमें 6-7 फ्रूट लगे हुए हैं और 4-5 उसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप ड्रैगन फ्रूट लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन रिज़ल्ट बहुत बढ़िया होता है। मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा प्लांट। ये देखें, ये जो प्लांट है जो मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, बहुत सारी हार्वेस्टिंग करने के बाद ये थोड़े से फ्रूट मैंने इसमें छोड़ रखे थे। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्रूट होते हैं वो तकरीबन 3-4 मंथ तक यूं ही लटके रहते हैं प्लांट से, तो ये बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो इस पर देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लांट कितना अच्छा है। और ये तकरीबन मुझे लगता है कि 17 साल पुराना प्लांट है और हर साल मुझे अपने फ्रूटिंग से ज़रूर आश्चर्यचकित करता है। और इसका भी कंटेनर साइज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये 18 इंच का पॉट है मेरा, प्लास्टिक का पॉट है, और 18 इंच के पॉट में मैंने रखा हुआ है। मिट्टी तकरीबन इसमें 15 इंच के करीब होगी, लेकिन ये प्लांट इसमें बहुत बढ़िया सर्वाइव कर रहा है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप देखें, और अभी इसमें नए नए छोटे 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 बहुत सारे फ्रूट लग रहे हैं, फ्लावर भी आ रहे हैं। तो अभी ये अपने ग्रोइंग पीरियड में है, तो जब प्लांट की साइज़ इस तरह की हो तो आपको बड़े प्लांट पॉट का ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर पॉट छोटा होगा और उसमें आपने बड़े प्लांट लगाए हुए हैं तो आपको कभी भी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, उसके फ्लावरिंग जो भी आएंगे वो गिर जाएंगे। तो कोशिश करें कि जब आपका प्लांट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसको एक साइज़ बिगर पॉट में शिफ्ट करने का। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने फ्रूट प्लांट को सर्वाइव कराने का और अच्छे से फ्रूटिंग लेने का। अगर आप लोग रसभरी उगाना चाहते हैं, देखें इसको कैटेगराइज किया जा सकता है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट को अलग अलग टाइप के अगर पॉट साइज में लगाया जाए तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे ये देखें, ये रसभरी का प्लांट है जो मैंने अपने किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, सीड से उगाया है मैंने इसे। और आप यहाँ पर देखें, ये ग्रो बैग है और ये तकरीबन 12 इंच से भी कम का है, ये 10 इंच का ग्रो बैग है। लेकिन जो रसभरी का प्लांट है इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो अगर आप
बिग साइज प्लांटेड नहीं रख सकते हैं तो आप इस तरह के फ्रूट प्लांट को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, या आपके घर में अगर 5-6 घंटे की बालकनी में धूप आती हो तो आप इस तरह से छोटे स्पेस में भी फ्रूट प्लांट लगा करके एटलीस्ट अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अगर आप बहुत शौकीन हैं फ्रूट प्लांट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमें गार्डनिंग का बहुत शौक़ है लेकिन हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बड़ी स्पेस हो, बड़ी जगह हो, हमारे पास जो ही स्पेस है हम उसके अकॉर्डिंग प्लांट का सिलेक्शन करें, उसके अकॉर्डिंग पॉट का सिलेक्शन करें और हम हर कुछ उगा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मेरा जो ये करौंदे का इतना बड़ा प्लांट है इसमें इतनी बढ़िया फ्रूटिंग हुई थी, अभी भी इसमें आप देख सकते हैं फ्रूट लगे हुए हैं जो मैंने चटनी बनाने के लिए छोड़ रखा था, और ये देखें लगे हुए हैं। और इसको मैंने आप लोगों के साथ ही हार्वेस्टिंग भी की थी इसकी, और इसको रीपॉट भी किया था। देखें जब ये प्लांट थोड़ा छोटा था, थोड़े छोटे गमले में था, और अब मैं इसको ये 20 इंच के गमले में, पहले ये 15 इंच के पॉट में था, अब इस वक्त मैं इसकी हार्वेस्टिंग करके मैंने इसे 20 इंच के पॉट में रीपॉट कर दिया है। अब इसकी प्रूनिंग करूँगी और इसको ऊपर की तरफ बढ़ने दूँगी। तो ये सब छोटा छोटा तरीका है जिसको अपना के हम अपने फ्रूट प्लांट को टेरेस पे या बालकनी में जगह दे सकते हैं और इससे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। ये लेमन का प्लांट है जो बहुत बड़ा नहीं है, और इसका जो ये प्लांटर है ये सीमेंट का है, और तकरीबन ये प्लांटर 16 इंच का है। 16 इंच के पॉट में भी किस तरह फ्रूटिंग होती है वो आप देखें, ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखें ये फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ भी बीच बीच में आप देख सकते हैं, और ये प्लांट देखें इसकी ग्रोथ देखें कैसी है। और इसी के साथ एक छोटा सा इसके साथ ही एक लेमन का ये प्लांट देखें, ये छोटा है, इसमें अभी फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो इसे मैंने छोटे कंटेनर में लगा रखा है। ये करीब 12 इंच का कंटेनर है, जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू होगी, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है और मुझे लगता है अभी इसे 1-2 साल लगेंगे। तो इस तरह के छोटे प्लांट को हमें बड़े गमले में नहीं रखना है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गुआवा का प्लांट है, और इसकी पत्तियाँ देखें, एक ये ब्लैक गुआवा कहलाता है, इसकी पत्तियाँ देखें छोटे छोटे ही फ्रूट लगते हैं, पत्तियाँ भी तकरीबन ब्लैकिश कलर पे हैं। और इसे मैंने ये थोड़ा सा बड़ा देखें, इसका प्लांटर देखें, इसे मैंने तकरीबन ये 12 इंच का पॉट होगा, लेकिन अब इसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि आप प्लांट की हाइट देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा चला गया है। तो इसे मैं 12 इंच से अब 15 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से हमें प्लांटर का सिलेक्शन करना है और किस तरह से हमारा प्लांट जैसे जैसे स्टेज वाइज बढ़ता जा रहा है तो हमें उसे किस टाइम पर ट्रांसप्लांट करना है। क्योंकि बहुत बार इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से हमारा इतना महंगा, ये सब प्लांट इतने सस्ते भी नहीं मिलते, जो भी आपके ग्राफ्टिंग प्लांट होते हैं आप लोगों को भी पता होगा कि ये नर्सरियों में काफ़ी महंगे मिलते हैं, और जब हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए सही टाइम पर सही स्टेप उठाने से आप इस तरह की परेशानियों से बच जाएंगे। और इसके साथ ही आप यहाँ देखें, ये मेरे कमरख जिसे स्टार फ्रूट भी कहते हैं उसका प्लांट है, और ये ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट है, और इसे देखें मैंने करीब ये 15 इंच का पॉट है जिसमें मिट्टी बहुत ऊपर तक नहीं भरी हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसमें चल रहा है। बहुत बड़ा प्लांट नहीं है तो इसे 2-3 सालों तक मैं इसी प्लांटर में रखने वाली हूँ। इसके बाद मैं इसे 15-18 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी, फिर 18-20 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी, और अगर उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी, काफ़ी बड़ा हो गया ये प्लांट, तो मैं उसे 24 इंच के प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। आप चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन ये भी होते हैं कि क्या हम ग्रो बैग में लगा सकते हैं फ्रूट प्लांट, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि छत पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि लोड फैक्टर भी होता है कि हम छत पे बहुत ज़्यादा वजन ना डालें, क्योंकि फ्रूट प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ग्रो बैग इसका
बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि अभी मैं करीब 5-6 सालों से ग्रो बैग का यूज़ कर रही हूँ और मुझे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप लोग भी ग्रो बैग ले सकते हैं, ये एक सस्ता और अच्छा विकल्प है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ग्रो बैग में मेरा कौन सा फ्रूट प्लांट लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे एप्पल बेर का प्लांट है, जिसमें हर साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। और ये थोड़े अलग तरह से इसका जो स्टेम होता है वो निकलता है, मतलब ये सीधे नहीं जाते, किसी भी डायरेक्शन में ये चले जाते हैं, जबकि मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करती रहती हूँ। उसके बावजूद भी आपको यहाँ से इसलिए दिखाना शुरू की हूँ कि यहाँ इसकी ब्रांच है और इसका जो ग्रो बैग है वो कहीं और है। तो आप देखें मेरे साथ कि वो कहाँ है, इधर है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी स्टेम चली आ रही है। और ये बहुत बड़े कंटेनर में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फ्रूटिंग कर रहा है। ये देखें 15 इंच का, सिर्फ और सिर्फ 15 इंच का ग्रो बैग है, और इसमें मिट्टी बहुत रिच और अच्छी बनी हुई है। अगले साल मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। और यहाँ देखें, यहाँ इसका स्टेम है, ये मोटी सी स्टेम आप देख रहे हैं, ये कहीं और जा रही है। आप देखें यहाँ कंटेनर बिल्कुल खाली आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कहीं और जाते जाते इसका सिरा कहीं और है, ये तकरीबन 2 मीटर आगे तक गया हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा। और अभी मैं इसे प्रून नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सितंबर जो होता है इसका फ्रूटिंग सीजन होता है, और आगे आने वाले दिनों में मैं इस पर भी आप लोगों को रिसेंटली ही मुझे एक क्वेश्चन भी आया था कि अब इसकी फ्रूटिंग होने वाली है, तो आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम भी उसको फॉलो कर सकें, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लांट होता है अगर सही ढंग से आप देख रेख करें। और मैंने आपको कंटेनर दिखाया, बहुत बिग साइज़ के कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने 15 इंच के ग्रो बैग में भी जब इतना लंबा चौड़ा प्लांट हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी उगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ कि ग्रो बैग में फ्रूट प्लांट कितने अच्छे से चलते हैं। तो ये जो चेरी का प्लांट है, जिसमें मैंने कितनी बार आप लोगों को हार्वेस्टिंग दिखा चुकी हूँ, बहुत सुंदर, काफ़ी बड़ा बिग साइज़ का मेरा ये प्लांट है। और यहाँ देखें, ये इसका प्लांटर देखें, ये तकरीबन 18 इंच का ग्रो बैग है, और मिट्टी भी पूरी भरी हुई नहीं है, लेकिन आप इसका साइज, इसकी हेल्थ देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो ग्रो बैग ज़रूर अपनाएं, और अपने एटलीस्ट टेरेस गार्डन के लिए तो मुझे ये बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि इसके साथ 5-6 साल हो गए हैं, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो ग्रो बैग का भी यूज़ करें, और देखें इतने बड़े प्लांट को आप 18 इंच के ग्रो बैग में आराम से लगा सकते हैं। और ये देखें मेरा अमरूद का 17 साल पुराना प्लांट, जो इतने अच्छे से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने अमरूद की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग की है, इसमें से अमरूद लेती रहती हूँ। और आप देखें कितना बढ़िया और कितना बड़ा प्लांट है, जबकि ये सिर्फ 16 इंच के पॉट में रखा हुआ है, और चूँकि मैंने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई थी इसलिए ये बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका तना देखें काफ़ी थिक है, और 15 इंच के पॉट में भी आप अमरूद लगा सकते हैं और उसे फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। यहाँ भी देखें, अभी कुछ बचे हुए हैं, इतने सारे हार्वेस्ट करने के बाद कुछ आपको दिख रहे होंगे। तो और ये देखें, ये तो अभी तोड़ ही लूँगी, कितना सुंदर चिकना सा गोल गोल अमरूद है, ये देखें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरह से, ऐसा नहीं है कि कंटेनर साइज़ बहुत बिग होना चाहिए, इस तरह से भी आप अमरूद उगा सकते हैं, कोई भी फ्रूट प्लांट उगा सकते हैं एटलीस्ट। और आप लोगों को यहाँ दिखाऊं, मेरा अनार का प्लांट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप इसमें जब फ्रूटिंग देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ ये देखें, ये फ्रूट बन रहे हैं, किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ देखें, ये भी है, छोटा सा प्लांट है, इसे मैंने ये 20 इंच के प्लांटर में लगा रखा है। इसका प्लांटर देखें, और अनार को थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े फ्रूट होते हैं, और अगर आपने इसे छोटा प्लांटर दिया तो आपका ये फ्रूट, छोटे छोटे फ्रूट गिर जाएंगे, इनमें न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मिट्टी अच्छी खासी होनी चाहिए। इसलिए अनार के प्लांट को जब वो फ्रूटिंग पे हो तो उसके पॉट साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें।
बहुत सारे फ्रूट लगे हों, उसे मिट्टी ज़्यादा चाहिए, खाद ज़्यादा चाहिए, इसलिए पॉट का सिलेक्शन ध्यान से करें। यहाँ पे मेरे चीकू का प्लांट लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे फूल भी आए हुए हैं और कुछ फ्रूट भी इस बार लगे थे, लेकिन आंधी में प्लांट मेरा गिर गया था, इसकी वजह से फ्रूट कुछ टूट भी गए। लेकिन आप देखें काफ़ी बड़ा है, ये भी बहुत पुराना प्लांट है, जिससे आप इसकी स्टेम की थिकनेस से देख सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। इसमें इसकी स्टेम देखें किस तरह का पैटर्न बना हुआ है इसमें। और ये हमारा ये तकरीबन 18 इंच का पॉट है मेरा, उसमें लगा हुआ है और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, बहुत बढ़िया से। तो 18 से 20 इंच का जो पॉट होता है उसमें आप चीकू लगा सकते हैं, और ऐसे तो आप जितना ज़्यादा स्पेस देंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, लेकिन पॉट के ये प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही पॉट का सिलेक्शन करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मेरा नींबू आप इस तरह से फलते हुए देख रहे हैं, बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, लेकिन मैंने एक स्टेम चूज़ किया है जिसमें देखें गुच्छे में कितना लेमन लगा हुआ है। इसको भी मैंने रिसेंट ही मैंने बड़े प्लांटर में शिफ्ट किया है। ये तकरीबन 18 इंच का पॉट है जिसमें ये लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं पॉट कुछ यहाँ पे है, ये देखें, ये जो पॉट आपको दिख रहा है इसका विड्थ भी आपको दिख रहा होगा, ये 15 इंच का पॉट है। लोग सीड से जो घर में फ्रूट आता है उससे पपीता उगाना चाहते हैं, तो आप देखें आपके सामने एग्जांपल है, ये मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है, और इस सीड को मैंने कुछ सीड को इस पॉट में डाल दिया था और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सीड ग्रो कर गए थे, लेकिन मैंने एक प्लांट रहने दिया है। 18 इंच के पॉट में आप एक प्लांट अगर रखेंगे तो ये बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये प्लांट मुझे फ्रूट दे। तो इस तरह के प्लांट को आप बड़े गमले में रखें, और यहाँ देखें ये बड़ा वाला जो ये गलगल है, ये भी तकरीबन 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है। यहाँ आप पॉट साइज़ देख सकते हैं इसका, और बड़ा प्लांट है तो इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया हुआ है। और इसके अलावा अगर मान लें आप लोगों के पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, आप लोग ठंडी जगहों में रहते हों, तो आप स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए बहुत बड़े बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है, आप हैंगिंग बास्केट्स में भी उगा सकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट प्लांट जो हैं बड़े बड़े गमलों में ही उगाए जाते हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मैंने अभी रसभरी आपको दिखाया, और स्ट्रॉबेरी है, कुछ बेरीज ऐसी हैं जिन्हें आप अपने लोकेशन, अपने जहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उगा सकते हैं। जितनी बेरीज हैं वो छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाती हैं तकरीबन, तो आप इस तरह से उगा सकते हैं। मुझे अच्छा एक चीज़ बोल देते हैं, वहाँ आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि बार बार जो आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप प्लांटर मेंशन नहीं करते हैं, तो उस वक्त ऐसा इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में वो मिस हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक स्पेशल वीडियो बना दूं ताकि आप मेरे प्लांटर देख सकें कि मैंने कौन से फ्रूट प्लांट किस तरह के प्लांटर में लगाए हुए हैं, जिससे मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, इतना बढ़िया वो सर्वाइव कर रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि मैंने आपकी क्वेरीज़ को फुलफ़िल किया होगा और आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।